जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लग रहा है। 27 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि दिवाली पे सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल और उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस बार कार्तिक अमावस्या यानी कि दिवाली की तिथि 2 दिन 24 और 25 अक्टूबर को है। तो कार्तिक अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से शुरू होगी और ये 25 अक्टूबर को शाम को 4:18 तक रहेगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले यानी कि 24 अक्टूबर को मध्य रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये पंच पर्व धनतेरस 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाएंगे, 24 अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के कारण कोई भी पर्व नहीं मनाया जाएगा। और गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को, भैया दूज 26 अक्टूबर को 2:42 को शुरू होगी और 27 अक्टूबर को 12:45 पर समाप्त हो। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का सूतक काल। ये सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण है, तो ये इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी है। सूतक काल 24 अक्टूबर यानी दिवाली की रात 2:30 को लग जाएगा, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को शाम को 4:22 तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आपको ये सूर्य ग्रहण को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अमावस्या तिथि में ही आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जिसे वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। अब जानते हैं कि सूतक काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सूतक काल में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सूतक काल के समय भोजन करना वर्जित है। नंबर 3, इस समय के दौरान दांत को साफ करना और बालों में कंघी करना भी वर्जित माना गया है। नंबर 4, सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी लाभदायी होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।